अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो जो लोग जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो है आगे कंटिन्यू किया हुआ है और आगे जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है फ्यूचर में बनना चाहते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे सवाल करते हैं, सर जो हमारे लिए सबसे इनिशियल और टफ चैलेंज होता है वो पेशेंट के साथ हर रैपो बिल्ड करना। रैपो जो है हम पेशेंट के साथ आसानी से जो है बिल्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि जो है जब पेशेंट हमारे पास आता है तो दूसरा सेशन होता ही नहीं, पेशेंट जो है वो उकता जाता है या जो है पेशेंट की जो डिज़ायर होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती। तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क होता है एक साइकोलॉजिस्ट के लिए कि फर्स्ट सेशन में जो है पेशेंट के साथ जो है रैपो को कैसे बिल्ड किया जाए। तो यही चीज़ जो है आज मैं इस वीडियो में जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि पहले सेशन के अंदर जो है पेशेंट के साथ जो है रैपो को कैसे बिल्ड किया जाए, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के लिए पहला सेशन होता है हिस्ट्री टेकिंग और रैपो बिल्डिंग के लिए, और जो है प्रॉपर उसकी सेल्फ केयर हाइजीन और डेली रूटीन को मैनेजमेंट करने के लिए, क्योंकि प्रॉपर जो है साइकोथेरेपेटिक प्रोसीजर को जो है हम पहले सेशन में जो है स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए साइकोलॉजिस्ट का जो ये चैलेंजिंग टास्क होता है वो रैपो बिल्डिंग होता है। रैपो बिल्डिंग जो है दौरान हिस्ट्री जो है पेशेंट के साथ जो है बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और रैपो बिल्ड करने के लिए साइकोलॉजिस्ट को स्पेसिफिकली जो है रोजर की क्लाइंट सेंटर थेरेपी को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना ज़रूरी होता है कि पेशेंट को जो है हर हाल में एक्सेप्ट करना है, चाहे वो एंजाइटी का पेशेंट है या डिप्रेशन का पेशेंट है या स्किजोफ्रेनिया का पेशेंट है या बाइपोलर का पेशेंट है, तो उसको जो है एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो है उसके साथ जो है फिर हमने एम्पथेटिक टेक्निक को जो है यूज़ करना है, एम्पथी को यूज़ करना है कि हमने जो है पेशेंट अगर फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन का है और जो है वो अपने जो है रो रो कर जो है दुखे सुना रहा है, तो ये नहीं है कि जो है साइकोलॉजिस्ट को बेचारा गलत हो गया और साथ में रोना शुरू कर दे, इस तरह का कुछ नहीं करना, ठीक है। एम्पथी शो करनी है और उसके साथ साथ ये कि पेशेंट को जो है साइकोनालिसिस की जो टेक्निक होती है फ्री एसोसिएशन उसे यूज करना ही पड़ेगा, तभी जाकर जो है पेशेंट के साथ जो है रैपो बिल्ड होगी। लेकिन पेशेंट की जो है हर बात को डिटेल से सुनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फर्स्ट इनिशियल सेशन के अंदर हमने जो है सिर्फ और सिर्फ डिटेल से हिस्ट्री लेनी होती है और जो है पेशेंट के साथ रैपो को बिल्ड करना होता है। ये नहीं है कि पेशेंट आ गया और हम जो है फौरी तौर पे सोल्यूशन की तरफ चले जाएं, नहीं, ऐसा है आपको ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। पेशेंट को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना, पेशेंट को कभी भी जो है हमने फर्स्ट सेशन के अंदर जो है सारी चीज़ों को रियलाइज नहीं करवाना, सिर्फ बेसिक कुछ ऐसे टास्क रखने हैं कि जो है वक्ती तौर पे जो है उसको जो है वो चीज़ें जो है वो मैनेज कर सके, उनको जो है हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। और फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखने के लिए हिस्ट्री को जानना जरूरी है, और जब हमें हिस्ट्री का पता होगा तो हम जो है एक हायरार्की बनाएंगे और हायरार्की बना के स्टेप बाय स्टेप जो है उन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। अगर हम जो है फर्स्ट सेशन में सारा कुछ जो है जो हमने पढ़ा सारी टेक्निक सारी सीबीटी सारा कुछ लगा देंगे तो ऐसे पेशेंट नहीं ठीक होगा, पेशेंट खराब हो जाएगा और पेशेंट जो है आपके पास दूसरा सेशन लेने आएगा ही नहीं। तो बेहतर ये है जो चैलेंजिंग टास्क होता है रैपो बिल्ड करना, उसको बिल्ड करने के लिए क्लाइंट सेंटर थेरेपी और फ्रॉइड की फ्री एसोसिएशन टेक्निक को यूज करना मस्ट है। और बाकी आपके अपने स्किल्स हैं कि आप जो है दौरान सेशन जो है कौन कौन सी टेक्निक्स को किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे जो है पेशेंट की प्रॉब्लम को जो है कॉप अप करते हैं और जो है पेशेंट को आप जो है सेटिस्फाई करके भेजते हैं जिन मसाइल के साथ वो आपके पास आता है। बात तो ऐसा होता है कि पेशेंट जो है फर्स्ट सेशन में बहुत सारी डिमांड्स कर रहे होते हैं साइकोलॉजिस्ट के साथ कि ये हो गया वो हो गया ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो फौरी तौर पे सारी डिमांड्स फुलफिल नहीं की जाती, ताकि जो है बाकी जब तक आप जो है डिटेल से स्टेप बाय स्टेप जिस भी आप जो है थेरेप्यूटिक प्रोसीजर को कंटिन्यू करना चाहते हैं उसके स्पेसिफिक कुछ नॉर्म्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उन्हें फॉलो करना बड़ा ज़रूरी होता है। जो न्यूली साइकोलॉजिस्ट बन रहे हैं इन फ्यूचर वो बनेंगे बहुत अच्छे बनेंगे, उनके लिए ये एक सवाल था जो बार बार अक्सर मुझे व्हाट्सएप के ऊपर पूछते थे कि सर रैपो बिल्ड कैसे की जाए, तो उन लोगों के लिए जो है ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी चीज़ अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं,
शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।